हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपांशु सिंगल। स्वागत है भाई आपका एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम आ रखे हैं फोक्स वैगन में। तो फोक्स वैगन की मैं आपको आज वर्टस की वीडियो दिखाने वाला हूँ। वर्टस बहुत ही अपनी सेगमेंट में मैं कहूँगा कि बेस्ट गाड़ी मैं आप इसको मानता हूँ, क्योंकि लेंथ वगैरह अगर इसका कम्फर्ट वगैरह देखें और ड्राइविंग हैंडलिंग डायनेमिक्स इसे देखें तो कहीं ना कहीं ये सियाज और जो सियाज इसकी कंपटीटर है उससे कहीं ना कहीं सुपीरियर रहती है, और होंडा सिटी से भी हैंडलिंग और उसके पावर के मामले में सुपीरियर रहती है, और फीचर्स भी इसकी काफ़ी अच्छे हैं। तो सारी बात करेंगे, प्राइस जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखें। फ्रंट से अगर बात करें वो क्राउन में, तो यहाँ पे आपको दो लाइन आपको यहाँ फ्रंट ग्रिल में देखने को मिलती है, जो कि आपकी क्रोम देखने को मिलेगी। बीच में आपको एक जो लाइन है वो आपको ग्लोस ब्लैक देखने को मिल जाएगी। पूरा ही लोगो आपको काफ़ी बड़ा लोगो कर देना है VW का, तो वो आपको सेंटर में देखने को मिल जाएगा। और अगर नीचे वाली ग्रिल की बात करूँ तो पूरी ही ग्लोस ब्लैक आपको देखने को मिलती है, और ये है ना ग्लोस ब्लैक जो फिनिश है पूरे ही बम्पर में आपकी एक कोने से दूसरे कोने तक रन होती है। ये उसके नीचे आपको यहाँ पे इसकी वो भी देखने को मिल जाएंगी, मतलब जो क्रोम फिनिश आती है इसमें, तो ये भी आपको क्रोम फिनिश अलग से देखने को मिल जाएगी। बाकी कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ इसके आपके फोग लैम्प्स आपको देखने को मिल जाएंगे। टो हुक आपका इसका यहाँ पे है। और अगर लाइट्स की बात करूँ तो लाइट्स आपकी बिल्कुल ही सारी ही LED सेटअप पूरा देखने को मिलेगा। LED क्या नहीं रहेगा, सिर्फ आपका हैलोजन LED ना थोड़ी मिक्सअप हो जाती है फोग में, तो थोड़ा एक डिसएडवांटेज रहता है LED का। और फ्रंट में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे इसके सेंसर वगैरह देखने को मिल जाएंगे, आपके ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स इसमें आते हैं। बाकी टायर साइज़ की बात करें साइड प्रोफाइल में, तो इसके जो नट्स हैं ना वो भी आपको काइंड ऑफ एलन की टाइप नट्स दे रखे हैं, तो मतलब काफ़ी यूनिक चीज़ कर रखी है इन्होंने। बाकी अगर बात करें इसके सेक्शन की, तो 215/55R16 इंच के इसमें आपको अलॉयज देखने को मिल जाएंगे डायमंड कट वाले। अगर यहीं आप इसका GT वेरिएंट लेते हो तो आपको वहाँ पे ग्लोस ब्लैक पूरे अलॉय देखने को मिल जाएंगे। बाकी साइड से बात करें तो पूरी आपको यहाँ पे क्रोम लाइन विंडो के अराउंड आपको रन होते ही देखने को मिल जाएगी। ए बी पिलर जो है आपका ग्लोस ब्लैक में आपको दे रखा है, और जो सी पिलर और ए पिलर है वो आपको बॉडी कलर में देखने को मिलेगा। बाकी डोर हैंडल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको बीच में आपको क्रोम की स्ट्रिप देखने को मिल जाएगी, ऊपर और नीचे आपको बॉडी कलर देखने को मिलेगा। रिक्वेस्ट सेंसर इसमें आपका आता है, और बात करें कट्स एंड क्रीसेस काफ़ी अच्छे लगते हैं गाड़ी के। बाकी ऑटो फोल्ड इसमें और भी हम आपके आ जाएंगे, अगर आप इसको लॉक अनलॉक करोगे तो आपके फोल्ड भी हो जाते हैं। काफ़ी बड़े साइज़ की आपको सनरूफ देखने को मिल जाएगी, शार्क फिन इंटीरियर आपको देखने को मिल रहा है, और क्वार्टर ग्लास भी इसमें आपको ना दो देखने को मिल रहे हैं, तो मतलब क्लोस्ट्रोफोबिक फील तो आपको बिल्कुल नहीं होगा। फ्यूल टैंक की बात करें तो 45 लीटर का आपको इसमें फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। और एक चीज़ मेरे को नहीं समझ आई, जो ये वाला होल है ये पता नहीं भाई किस चीज़ का है, आप बताना कमेंट में किस चीज़ का है। कहीं फोक्स वैगन फ्यूचर में CNG लाने की तो नहीं सोच रही कि यहाँ से CNG की नोज़ल निकाल दे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अलग से मतलब इस चीज़ के लिए कोई भी ओपनिंग या क्लोजिंग नहीं दे रखी। तो मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरी प्रेडिक्शन है अभी कुछ ऑफिशियल नहीं इनका, कि CNG इसमें आ सकती है भाई, पता नहीं हु नोज़ क्या हो सकता है। बाकी पीछे से बात करें गाड़ी की, तो पीछे आपको यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैंप देखने को मिल जाएगा LED में, सारा ही आपका डिफोगर का यूज़ आपको देखने को मिलेगा। पीछे से बात करें तो LED में ही आपको सारी इसमें लाइट्स देखने को मिलेंगी, इंडिकेटर और आपकी रिवर्स लैंप भी आपका इन बूस में LED ही देखने को मिलता है इसमें। यहाँ भी आपको पूरी क्रोम फिनिश आपको रनिंग होते ही देखने को मिल जाएगी। 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको देखने को मिलेंगे, TSI की बैजिंग है, वर्टस की बैजिंग है, ऊपर आपको यहाँ पे एक वर्टस उसका फोक्स वैगन का लोगो देखने को मिलेगा, और नीचे आपको यहाँ पे कैमरा देखने को मिलेगा। बूट खोलने के लिए आपको रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पर दे रखा है, और जो नंबर प्लेट्स की लाइट है वो भी आपको LED दे रखी है। अगर मैं इसको आपको बूट दिखाऊं, देखो वन क्लिक में पूरा खुल जाता है, थोड़ा नीचे भी आता है, अभी अपने आप सेट हो जाएगा ये। तो बूट इसका काफ़ी बड़ा है, अगर कैपेसिटी की बात करूँ तो 521 लीटर इसका बूट स्पेस है, जो कि मतलब एक वेरी ह्यूज बूट अगर मैं कहूँ इसको, तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज बूट है इसका। और अगर स्पेयर व्हील की बात करें इसकी, तो स्पेयर व्हील मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसका साइज़ है 195/65/15। तो स्पेस सेवर इसमें आपको कॉस्ट कटिंग जरूर देखने को मिलेगी, थोड़ी ना थोड़ी कॉस्ट कटिंग तो देखो हर कंपनी करते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको कर देते बंद। तो ये थी गाड़ी बाहर से, अब चलते गाड़ी के अंदर। और अंदर जाने से पहले अगर मैं इसकी की बात करूँ, तो की है ना आपको यहाँ पे बेस मॉडल टॉप मॉडल में सब में सेम फ्लिप की देखने को मिलेगी, कोई भी इसमें अलग से की नहीं आती, यहीं पर आपके इसके बूट खोल सकते हो, लॉक अनलॉक का फीचर है। तो ये कुछ बात है बाहर से, तो चलो अब चलते गाड़ी के अंदर और बात करते हैं अंदर के फीचर्स की। अरे टॉप मॉडल है इसका, टॉप लाइन ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट नहीं है, टॉप लाइन मैनुअल वाला वेरिएंट है। लेकिन इसमें एक खास बात क्या है इस वाले वेरिएंट में, इसमें आपको है ना टॉप मॉडल में भी टॉप लाइन जो है उसमें भी आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, जिसमें एक इलेक्ट्रिक सीट वाला अलग से आता है और एक बिना इलेक्ट्रिक सीट के आता है। तो ये दो मॉडल आते हैं, और इनमें टोटल अगर मैं डिफरेंस की बात बताऊँ तो आपको 27 से लेकर 32 हज़ार तक का इसमें आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ इन दोनों में फ़र्क है, बाकी फ़र्क सिर्फ आपका इलेक्ट्रिक सीट का रहेगा। और इलेक्ट्रिक सीट है ना आपकी दोनों ही आएंगी, ड्राइवर भी और को ड्राइवर भी, दोनों आपको इलेक्ट्रिक सीट देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ एक दे दी। बढ़िया रहेगा, फील अच्छी रहती है, थोड़ी ऐसा लगता है कि हाँ टॉप मॉडल चला रहे हैं अगर मैनुअली एडजस्ट नहीं हो रही सीट। तो डोर पैड में आपको जैसे पता है यहाँ पे बेज फिनिश देखने को मिल रही है, और आपको यहाँ पे ना ये तो आपका सारा हार्ड प्लास्टिक है, ये आपको यहाँ पे सॉफ्ट देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको इसके वो देखने को मिल जाएंगे मिरर एडजस्टमेंट और मिरर फोल्ड वाले बटन देखने को मिल जाएंगे, ऑटो फोल्ड मिरर इसमें आते हैं।
बाकी चारों पावर विंडो आपको देखने को मिलेंगे। चाइल्ड लॉक का बटन आपका यहाँ पे है और लॉक अनलॉक आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये वॉक्स वगैरह शुरू से ही रहता है, पोलो में भी यहीं पे आता था। इमोबिलाइजर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा और इसमें ना पूरे डैशबोर्ड में ही आपको ना दो तरह की फिनिश देखने को मिलती है, दो नहीं मैं तीन कहूँगा, तीन तरह की फिनिश देखने को मिलती है। ब्लैक मिलेगी, सिल्वर मिलेगी और आपको ये बेज वाली नीचे के हिस्से में आपको देखने को मिल जाएगी। और जो ये वाला हिस्सा है आपको मैट ब्लैक और बिल्कुल टॉप वाला हिस्सा भी आपको मैट ब्लैक देखने को मिलेगा। बाकी बड़ी आपको स्क्रीन देखने को मिल जाएगी और इसके अराउंड भी आपको यहाँ पे पूरा ही ग्लोस ब्लैक की फिनिश रनिंग होती देखने को मिल जाएगी, जो कि ऐसा लगता है कि मतलब एक ही पीस पूरा है, तो कोई अलग से पीस नहीं लगा रखा। उस हिसाब की मतलब फीलिंग अच्छी आती है इसकी, टॉप मॉडल वाला लगता है कि हाँ फील है। और सेंटर में भी आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आपको यहाँ पे वो दे रखा है, मतलब पूरा ही डिजिटल दे रखा है। अभी स्टार्ट करके दिखाऊंगा, उससे पहले बात करें स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग आपको देखने को मिल जाएगा। आपका टिल्ट एडजस्टमेंट इसमें आपकी है, टेलीस्कोपिक इसमें अभी भी नहीं आती। बीच में आपका एम्बोस्ड जो इसके अंदर बिल्कुल घुसा हुआ वॉक्सवैगन का लोगो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और स्टीयरिंग के अराउंड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी सिल्वर फिनिश आपकी, सैटिन सिल्वर में। इधर आप ट्रैक आगे पीछे कर सकते हो, तो मतलब ये इस तरफ आपके इसके फीचर्स हो जाएंगे, जो अपनी स्क्रीन है इंफोटेनमेंट सिस्टम, और इस तरफ आपको फीचर देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे क्रूज कंट्रोल वगैरह के, और यहाँ से आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो। तो ये कुछ अलग चीज़ें यहाँ पे इन्होंने दे रखी हैं। और जैसे कि जर्मन गाड़ी आप लोगों को पता है, तो इसके कंट्रोल्स थोड़े इस मतलब उल्टे होते थोड़े, तो यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे और इधर आपको इंडिकेटर के कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे। और अगर आपको लाइट वगैरह जलानी है तो लाइट वगैरह के बटन आपको यहाँ पे फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ऑटो हेडलैम्प्स इसमें आते हैं, तो यहाँ से आप इसकी लाइट से जला सकते हो। पूरी एलईडी लाइट इसमें आती है, मैंने आपको दिखाई थी बाहर। तो बाकी अभी अंदर बात करते हैं। और जैसे मैंने स्टीयरिंग दिखाया, टेलीस्कोपिक नहीं है इसमें, टिल्ट है बस। और पूरा ही आपको लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील इसमें देखने को मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा लगता है। इधर आपको ट्विटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। और ट्विटर जो स्पीकर सिस्टम की बात बताऊँ, तो स्पीकर सिस्टम वॉक्सवैगन का अपना आता है, जिसकी आवाज़ काफ़ी अच्छी रहती है। मतलब आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मुझे बाहर से करवाना है, तो मतलब आपका बढ़िया काम चल जाएगा। सनवाइजर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर देखने को मिल जाएगा, और सनवाइजर की क्वालिटी जो है ना वो भी इसकी काफ़ी अच्छी है। इधर वाले सनवाइजर की बात करूँ तो वैनिटी मिरर आपको पूरी फिनिश के साथ अच्छा देखने को मिलेगा। एयरबैग की बैजिंग आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। लाइट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एलईडी लाइट देखने को मिलती है, यहाँ पे दोनों ही आपकी फोकस वाली लाइट्स हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और सनरूफ इसकी मैं कहूँगा कि है ना, अगर मैं किसी और भी सेगमेंट की गाड़ी से बात करूँ, अगर होंडा सिटी की बात करूँ मैं, जो इसकी सेगमेंट में आती है, सियाज में तो देखो आती नहीं सनरूफ, होंडा सिटी की बात करूँ तो होंडा सिटी से ना काफ़ी बड़े साइज़ की सनरूफ है इसकी, पता नहीं क्यों, लेकिन इसका साइज़ काफ़ी बड़ा लग रहा है मेरे को। और इसमें ना यहाँ पे मान लो आप ऊपर से टिल्ट कर देते हो ना सनरूफ, तो आपकी सर्कुलेशन के लिए यहाँ पे भी आपको वेंट्स दे रखे हैं, तो मतलब काफ़ी अच्छी सहूलियत रह जाती है इसकी। छः ही इसमें आपको एयरबैग्स देखने को मिल जाएंगे। ऑटोमेटिक आपका ए सी है, टच सेंसिटिव कंट्रोल्स हैं। ये मैं कहूँगा कि वो जो है, ये मैं वॉक्सवैगन को कहूँगा, ये वॉक्सवैगन वाले ज़रूर इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, फिजिकल बटन्स दे सकते हैं इसकी जगह, क्योंकि कई बार एक्सीडेंटली टच वगैरह में तो इसका एसी वगैरह मतलब छेड़ सकता है कोई ना कोई छोटा बच्चा गाड़ी में बैठा हो, तो ये मेरा एक ओपिनियन था। इधर आपको नीचे वायरलेस चार्जर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको दो यूएसबी सी के पोर्ट देखने को मिलेंगे आपका फ़ोन चार्ज करने के लिए। एंड्रॉयड टू एप्पल कारप्ले में आपका वायरलेस आता है, यूएसबी टाइप सी के पोर्ट देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके चार्जिंग वगैरह के लिए, फास्ट चार्जिंग के लिए। वॉक्स वगैरह टोटली ही आपकी टाइप सी पोर्ट्स पे आपकी जा चुकी है, क्योंकि इसमें यूएसबी ए टाइप का कोई भी पोर्ट नहीं था, तो आपको अपने न्यू डाटा केबल्स लेनी पड़ेंगी, ये मेरा सजेशन है। वो आपकी मर्जी, आप वायरलेस चार्जर से भी चार्ज कर सकते हो अगर आपका फ़ोन सपोर्ट करता है तो। बाकी इसमें यहाँ पे आपको बीच में कार्ड होल्डर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे छोटी सी स्पेस है। इधर आपको देखने को मिल रहा है इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, तो ये कुछ अलग दे रखा है मेरे हिसाब से, स्पोर्ट्स कार स्टाइल में इसको थोड़ा कहना चाहूँगा। ऑटो स्टार्ट स्टॉप, आइडल स्टार्ट स्टॉप जो बटन होता है वो आपको दे रखा है। बाकी वेंटिलेटेड सीट्स फ्रंट वाली इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी दोनों ही, और दोनों ही मतलब वेंटिलेटेड सीटें ना इसकी काफ़ी अच्छी हैं। और इसमें ना दो ही आपको लेवल्स दे रखे हैं, मतलब और गाड़ी में आपने देखा होगा अक्सर कि तीन लेवल्स आते हैं, लेकिन इसमें दो लेवल हैं। गियर बॉक्स के अराउंड आपको यहाँ पे ग्लोस ब्लैक फिनिश और आपको यहाँ पे सिल्वर सैटिन फिनिश देखने को मिल जाएगी। एसी वेंट इसके थोड़े लो सेट कर रखे इन्होंने, तो मतलब बिल्कुल आपके फेस में नहीं आते, तो अच्छी फील दे देते हैं आपको भी, अच्छी मतलब एसी रहता है इसका। बाकी ग्लोव बॉक्स की बात करूँ तो कूल ग्लोव बॉक्स देखने को मिल जाएगा। साइज़ की बात करूँ तो साइज़ आपको ठीक ठीक देखने को मिलेगा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, मतलब आपका सामान आ जाएगा यहाँ पे। कुछ आपको यहाँ पे स्पेस भी दे रखी है कुछ कॉइन्स वगैरह रखने के लिए, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ रहती है। ऑटो डिमिंग IRVM इसमें आता है, और जो हेडलाइट वगैरह के जो वो है सेंसर वगैरह वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे इसके पीछे, और सनरूफ के कंट्रोल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, यहाँ से आप सनरूफ खोल सकते हो। गियर बॉक्स की बात करें तो 6 स्पीड का इसमें आपको गियर बॉक्स देखने को मिलता है, और इसमें ना रिवर्स लगाने का एक तरीका है, जैसे आप हुंडई वगैरह की गाड़ी देखते हो उनमें ना इसे थोड़ा ऊपर उठा के गियर लगता है रिवर्स वाला, लेकिन इसमें ना आपको थोड़ा नीचे दबा के तब रिवर्स गियर लगता है, तो ये थोड़ा अलग रहता है वॉक्सवैगन का, हमेशा से वॉक्सवैगन स्कोडा के थोड़ा अलग ही फीचर रहता है। बाकी सेंटर पे बात करें तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिल जाएगा एक्सेसरीज़ के लिए, क्योंकि आगे नहीं दे रखा। बीच में आपके दो कप होल्डर है छोटे छोटे, बाकी आपको आर्मरेस्ट देखने को मिल जाएगा, और आर्मरेस्ट भी इनका स्लाइडिंग है,
तो ये काफ़ी चीज़ अच्छी बात होगी कि आप अगर गियर वगैरह लगा रहे हो, अगर आपकी हाइट छोटी है तो आप थोड़ा आगे होके बैठते हो तो आपको मतलब दिक्कत नहीं होगी आर्म रेस्ट यूज़ करने में, आप प्रॉपरली आर्म रेस्ट का यूज़ कर सकते हो। सीट्स की बात करें तो पूरी आपको लेदराइट सीट्स देखने को मिलेंगी, पूरी वेंटिलेशन इसमें जैसे मैंने बताया था। और अगर सीट के कंफर्ट की बात करूं तो कंफर्ट मैं कहूंगा कि अच्छा है, लेकिन कंफर्ट से ज़्यादा जो इसकी सीट्स है ना मेरे हिसाब से थोड़ी मैं कहूंगा कि ऐसी सीट्स है, अगर आप कॉर्नरिंग वगैरह करते हो, अगर आप थोड़े तेज़ भगाने के शौकीन हो, उस हिसाब से इसकी सीट बॉक्स वगैरह ने डिज़ाइन कर रखी है। मतलब बात करें फीचर्स के अंदर क्या क्या इसमें स्क्रीन और इंफोटेनमेंट सिस्टम में फ़ीचर देखने को मिलते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार इंजन स्टार्ट स्टॉप प्रेस करेंगे तो दोस्तों बात करें इंफोटेनमेंट सिस्टम और आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो पहले अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाऊंगा आपको, तो अगर आप इस यहाँ पे देखते हो, अगर आप लाइट्स ऑन कर देते हो ना तो इसकी लाइट्स थोड़ी डिम हो जाती हैं, बाकी वो तो इनका रहता ही है थोड़ा। और बाकी अगर इसके बात करें इसके फीचर्स की, तो बीच में आपको किलोमीटर पर आवर की स्पीड दिख रही होगी, नीचे आपको सीट्स बनी दिख रही होंगी कि आपको हाँ कितने लोगों ने सीट बेल्ट वगैरह लगा रखी है, और बाकी नीचे आपको ओडोमीटर दिख जाएगा, इधर डिस्टेंस टू एम्प्टी दिख जाएगा, इस तरफ आपको फ्यूल गेज देखने को मिल जाएगा, उसके नीचे टेल टेल लाइट्स और इधर टेम्परेचर मीटर आपके देखने को मिल जाता है इसमें। और अगर बाकी इसके व्यूज़ को सेट करना है तो मेरे हिसाब से यहाँ से कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके फीचर्स हैं, बाकी आपको यहाँ पे आपकी साइड में आपको इसकी माइलेज दिखा देगा, ये माइलेज दिखाता है। और अभी जैसे खड़ी है ना गाड़ी, काफ़ी टाइम से खड़ी है तो 2.4 किलोमीटर की माइलेज दिखा रहा है, तो इससे आप बिल्कुल भी वो मत होना कि मिसगाइड मत होना कि अगर आपको ये आप चलाओगे तो 2.4 की माइलेज देगी आपको। अराउंड अराउंड मैं कहूँगा अगर सिटी में आप चलाते हो थोड़ी हार्ड रनिंग आपकी तो 11-12 आपको दे देगी, हाईवे पे आप अच्छे से चलाओगे तो आपको 18-20 तक भी गाड़ी दे देती है, तो मतलब ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी स्क्रीन के फीचर्स की बात करें तो आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, बाकी सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी और अगर डीपली बताऊँ मैं तो फ्यूल कंजप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 2.4 किलोमीटर पर लीटर चला है, टाइम में 2 सेकंड के लिए चली थी, एवरेज स्पीड 1 किलोमीटर, मतलब इन्होंने अंदर भारी करी होगी। व्हीकल स्टेटस प्लीज़ स्विच ऑन द लाइट्स ये बता रही है, और प्लीज़ रिफ्यूल का आपको यहाँ पे बटन दे रखा, वो सॉरी मतलब इंडिकेशन दे रखी है। और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे आपको पता हो जो बेस मॉडल है ना, बेस मॉडल में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन आपको यहाँ देखने को मिला है, लेकिन इसमें आपको यहाँ देखने को मिलता है, और यहाँ पे दबा के आप इसको ट्रैक्शन कंट्रोल आपका ऑफ कर सकते हो, तो इसको अभी हम ऑन कर देते हैं। बाकी अगर आप होम पे जाना चाहो तो होम पे जाके देख सकते हो इसमें क्या क्या एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, आपके सारे फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो ये बैक वाली सीट में और बात करते हैं वहाँ पे स्पेस वगैरह कितना है, और अगर मैं सीट की बात बताऊँ तो ये आगे वाली सीट है, मैंने पूरी पीछे आपकी एडजस्ट कर रखी है, तो बिल्कुल मतलब ऐसा हो सकता है कि आगे के लिए फुल स्पेस है और पीछे के लिए जीरो स्पेस है, तो उसके बाद देखते हैं कितना ही आपको इसमें स्पेस देखने को मिलेगा। दोस्तों आप देख सकते हो जैसे पीछे वाली सीट के जो पीछे वाली सीट में स्पेस है वो स्पेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लेंथ काफ़ी बड़ी है गाड़ी की, तो उस हिसाब से स्पेस अच्छा दे रखा आपको। आगे वाली सीट मैंने पूरी पीछे आपकी मूव कर रखी है ताकि पता चल सके कितना स्पेस इसमें टोटल आता है, और पीछे वाली सीट भी मैं वैसे ही कहूँगा थोड़ी अपराइट है, बाकी आपकी वही स्पोर्ट्स स्टाइल वाली थोड़ी सीट्स रहेंगी इसकी, आपको हक करके रखेंगी, कंफर्ट के लिए इतना नहीं है, कंफर्ट भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि कंफर्ट बिल्कुल नहीं है, पर आपको मैं कहूँगा थोड़ी इनका जो मतलब आइडिया था वॉक्सवैगन का वो यही था कि हम थोड़ी स्पोर्ट्स सेडान एक बनाए बजट में, तो वो इन्होंने कमी कह रहा हूँ अपना पूरा 100% उसमें दिया इन्होंने। सेंटर टनल की बात करो तो पहले बहुत ज़्यादा आती थी, तो अब इन्होंने कम कर दिए। और सेंटर की बात करें यहाँ पे आपको एसी वेंट्स हैं, एसी वेंट्स के नीचे आपको यहाँ पे टाइप सी के पोर्ट देखने को मिल जाएंगे आपकी चार्जिंग के लिए। और सीट्स में आपको पीछे पूरी लेदराइट फिनिश है, और साथ में आर्म रेस्ट के ऊपर आपको 2 कप होल्डर देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छे लगते हैं। और ऊपर आपको 2 ये फोकस वाली लाइट्स देखने को मिल जाएंगी, स्लो ओपनिंग क्लोजिंग वाले नहीं है ये आपके नॉर्मल देखने को मिलते हैं आपको। बाकी इधर भी आपको सॉफ्ट टच का फिनिश पूरी देखने को मिल जाएगी, और डोर हैंडल भी इसके सिल्वर में आपको देखने को मिलेंगे, और ट्विटर की प्लेसमेंट आपकी यहाँ पे है। जैसे मैंने बताया 6 एयरबैग है, तो 6 एयरबैग का पूरा यूज़ इसमें दे रखा है, बाकी पीछे भी लेदर राइट सीट कवर्स हैं, और सीट के अंदर जो पॉकेट है वो भी आपको दे रखी है, मतलब काफ़ी अच्छा सामान आपका आ जाएगा। तो ये थी दोस्तों गाड़ी की बात अंदर से, अब चलते गाड़ी के बाहर और बात करते हैं इसके प्राइस वगैरह की, और जो इसका वेरिएंट है उसमें बताता है कितने प्राइस वगैरह में आपको ये देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी गाड़ी की वीडियो, गाड़ी बताना आपको कैसी लगी। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो 15,59,900 रुपये का प्राइस रहेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक सीट वाली वेरिएंट है जो मैंने आपको बताया, दोनों इसमें फ्रंट सीट आपकी इलेक्ट्रिक आती हैं, और अगर आप इलेक्ट्रिक सीट वाला वेरिएंट नहीं लेते तो उसके आपके ना 15,27,900 रुपये उसका एक शोरूम रहेगा, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और जैसे मैं अंदर भी बता रहा था कि सनरूफ काफ़ी बड़ी है, यहाँ से भी आप देख सकते हो कि सनरूफ है सच में ही साइज़ काफ़ी बड़ा इन्होंने दे रखा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है इनकी। तो ये मैं थम्सअप देना चाहूँगा बिल्कुल वॉक्सवैगन को, बाकी बिल्ड क्वालिटी तो आपको पता ही है, पूरी 5-स्टार रेटेड गाड़ी है बिल्कुल ही, तो आप इसको कंसीडर करें मेरे हिसाब से, क्योंकि एक शोरूम अगर मैंने इसका प्राइस बताया जो आपको काफ़ी वैल्यू फॉर मनी एक गाड़ी बन जाती है, पावर हैंडलिंग वगैरह और माइलेज भी आपको ठीक ठाक दे देती है, आजकल तो सारी गाड़ियाँ नहीं देती हैं। अगर आपको किसी भी गाड़ी की क्वेरी हो वॉक्सवैगन से रिलेटेड, तो मैं यहाँ पे आपको शोरूम की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, यहाँ पे आप अपनी क्वेरी रिलेटेड
अपनी क्वेरी यहाँ पे आप अपनी सोल्व करवा सकते हैं। बाकी गाड़ी किसी को लेनी हो तो नीचे आपको नंबर्स देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और जय हिंद।